जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल वाईफाई ज्ञान में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सुबह सुबह के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत। आज हमारे केंद्र सरकार ने 12 जून 2020 दिन फ्राइडे यानी दोस्तों शुक्रवार के दिन से हमारे केंद्र सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसलों को जारी किए हैं। और दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है ना, तो सभी यहाँ पर राशन कार्ड वालों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे यहाँ पर नए नियम और बड़े फैसलों को जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों अगर आपके पास ये राशन कार्ड है तो आप उसे जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए, वरना दोस्तों आप पर कार्रवाई हो सकती है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारे 15 जून 2020 से यानी दोस्तों मंडे के दिन से आपके भारत में फिर से यहाँ पर लॉकडाउन का माहौल लगने जा रहा है। तो आखिरकार इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने कौन सी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है, और दोस्तों क्या सच में आपका 15 जून 2020 से हमारे भारत में लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने कौन सी यहाँ पर सच्चाई बताई है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से यानी दोस्तों IMD की तरफ से आपके मौसम को लेकर बहुत ही यहाँ पर बड़ी चेतावनी को जारी की गई है। दोस्तों अगर आप भी इन राज्यों से आते हैं ना, तो आपके इन राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान का तेज अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए आज इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ जानेंगे देश दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों को। आज हमारी केंद्र सरकार ने 12 जून 2020 दिन शुक्रवार के दिन से हमारी केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर बड़ी खबरों को जारी कर दी है। तो अगर दोस्तों आप इन सभी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नानी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं सोल्जर सिंह बिना आपका समय गवाए ले चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि क्या आपके पास अवैध राशन कार्ड है, तो जल्दी करा दे जमा, वरना दोस्तों हो सकती है कार्रवाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर अवैध राशन कार्ड वालों के लिए बहुत ही यहाँ पर बड़ी खबर को जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों अगर आपके घर में कोई सा भी अवैध राशन कार्ड है तो उसे जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए, वरना दोस्तों आपको इस राशन कार्ड के लिए कार्रवाई भी हो सकती है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बोकारो में अवैध राशन कार्ड रखने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। और दोस्तों इस संबंध में जिला उपायुक्त के निर्देश पर गोमिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ पर अंचलाधिकारी ने जांच करने पर पूरा मामला साफ कर दिया है कि अगर आपके पास अवैध राशन कार्ड है तो उसे जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए, वरना दोस्तों आगे आपको चल के बहुत सी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों इस खबर को लेकर हमारी केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर राशन कार्ड के धारकों को अलर्ट जारी किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दीजिए कि आपके पास कौन सा राशन कार्ड है। अगर दोस्तों आपके पास APL BPL कोई सा भी राशन कार्ड हो तो इतनी बात हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। 15 जून से देश भर में फिर लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, सरकार ने बताई वायरल हो रहे मैसेज की पूरी सच्चाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे भारत में कुछ दिनों से आपका यह दावा किया जा रहा है कि हमारे भारत में फिर से यहाँ पर 15 जून 2020 से आपके पूरे भारत में लॉकडाउन लगेगा। तो आखिरकार इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने पूरी सच्चाई क्या बताई है, तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हमारे भारत में जो बीमारी का कहर चल रहा है उसकी वजह से हमारे पूरे देश में 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन से सरकार धीरे धीरे सभी यहाँ पर छूट को वापस कर दी है। और दोस्तों इसी बीच हमारे सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों दावा किया जा रहा है कि हमारे भारत में फिर से 15 जून 2020 से हमारे पूरे भारत में फिर से यहाँ पर लॉकडाउन का माहौल लगेगा। लेकिन दोस्तों आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने यानी दोस्तों हमारे भारत के सरकार ने यह पूरा मामला साफ कर दिया है कि आपके 15 जून 2020 से जो भी आपका लॉकडाउन लगने का मैसेज वायरल हो रहा है वो सारी की सारी आपकी फेक न्यूज है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप फेक न्यूज के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने यानी दोस्तों PM गवर्नमेंट मोदी ने बहुत ही यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी कर दिए हैं। और दोस्तों इस हमारे बड़े ऐलान में हमारे PM मोदी ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि हमारे 15 जून 2020 से हमारे भारत में कोई भी यहाँ पर लॉकडाउन का माहौल नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। आज से बदलेगा मौसम, 4 दिन तक चलेगा आंधी पानी का सिलसिला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यानी दोस्तों IMD ने आपके मौसम को लेकर बहुत ही यहाँ पर बड़ी चेतावनी को जारी की है। दोस्तों अगर आप इन राज्यों से आते हैं ना, तो आपके इन राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान का तेज अलर्ट जारी किया गया है। तो आखिरकार इसको लेकर हमारे IMD ने कौन सी यहाँ पर बड़ी चेतावनी को जारी की है, तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तेज धूप तपन और उमस से बिहार UP वालों के लिए राहत भरी खबर है। और दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को 14 जून के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। यानी दोस्तों हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आपके 14 जून से लेकर आपके मौसम का मिजाज बहुत ही यहाँ पर गड़बड़ रहने वाला है। और दोस्तों इसके बारे में हमारे मौसम निदेशक JP गुप्त का कहना है कि अब हवा का रूप पछुआ के बजाय दक्षिण पूर्व का होगा। और दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में होने वाले इस बदलाव की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में आधी पानी के साथ साथ आपके चमक गरज के साथ आपकी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप यूपी के किसी भी जिले से आते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों हमारे यूपी राज्य को लेकर हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यानी दोस्तों IMD ने आपको पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, किस शहर से आते हैं, अपने राज्य और अपने शहर की जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके राज्य और आपके
शहर की मौसम की कोई भी खबर आए तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा सकूं। और फिलहाल दोस्तों अगर आप इन सभी राज्यों से आते हैं, यानी दोस्तों जिन जिन राज्यों का नाम मैंने इस वीडियो में लिया हूं, अगर दोस्तों आप इन सभी राज्यों से आते हैं तो आपके 14 जून से लेकर और आपके पूरे 20 जून तक हमारे मौसम विज्ञान विभाग ने आपको पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। पेट्रोल डीजल की कीमत में पांचवें दिन भी बढ़ोतरी, जाने आज का नया रेट। जी हां, दरअसल दोस्तों हमारे पेट्रोल डीजल के भाव में आज पांचवें दिन आपके पेट्रोल और डीजल के भाव में काफी यहां पर बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आखिरकार इसका नया रेट क्या है? तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हमारे लगातार पांचवें दिन यानी दोस्तों गुरुवार 11 जून 2020 से हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी यहां पर बढ़ोतरी कर दी गई है। और दोस्तों इस तरह आपके पांच दिन में पेट्रोल 2.74 रुपए प्रति लीटर और आपके डीजल में 2.83 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 10 जून 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल के रेट इस प्रकार हैं। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे लगातार पांचवें दिन से यानी दोस्तों आपके पिछले पांच दिनों से आपके पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी आपका बढ़ोतरी कर दी गई है। और दोस्तों जो आपका रेट बढ़ा है वो कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, शहर का नाम दिया हुआ है और आपके पेट्रोल का रेट दिया हुआ है और आपके डीजल का रेट दिया हुआ है। और दोस्तों आपके दिल्ली राज्य में आपका पेट्रोल 74 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और दोस्तों वही यहाँ पर आपके दिल्ली राज्य में ही आपका डीजल 72 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ आपके मुंबई में 80 रुपए प्रति लीटर और वही यहाँ पर आपके डीजल का भाव 70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे चेन्नई में आपका पेट्रोल 77.96 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि वही आपका डीजल 70.64 रुपए प्रति लीटर आपका चेन्नई राज्य में मिल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ आपका कोलकाता राज्य में भी आपका 75.94 रुपए प्रति लीटर आपका पेट्रोल मिल रहा है, जबकि वही यहाँ पर डीजल की बात करें तो आपके कोलकाता राज्य में आपका डीजल 68.17 रुपए प्रति लीटर आपका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये है आज के नया रेट। अगर दोस्तों आप इन सभी चार राज्यों से आते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे इन चार राज्यों में यानी दोस्तों आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता राज्य में आपके पेट्रोल और डीजल का दाम काफी यहाँ पर बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं? अगर दोस्तों आप इन चारों राज्य के अलावा किसी भी दूसरे राज्य से आते हैं तो अपने राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके राज्य की जैसे यहाँ पर पेट्रोल डीजल की नई रेट आए तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा सकूं। और फिलहाल दोस्तों अगर आप इन चार राज्यों से आते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे इन चार राज्यों में आपके पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। छात्रों का इंतजार खत्म, इस तारीख से खुलने जा रहे हैं सभी स्कूल कॉलेज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही बना कि हमारी केंद्र सरकार ने यानी दोस्तों भारत के सरकार ने हमारे भारत में जितने भी आपके स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान वगैरह वगैरह हो गए, इन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने पूरी यहाँ पर तारीख को तय कर दी है। तो आखिरकार आपके किस तारीख को आपके सभी स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं? तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हमारे 25 मार्च से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। लेकिन दोस्तों जल्द ही आपके फिर से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और दोस्तों ऐसा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है। और दोस्तों केंद्रीय एचआरडी मंत्री ने बीते 3 जून को कहा था कि स्कूल और कॉलेज जो 16 मार्च से बंद थे उन्हें 15 अगस्त 2020 से खोल दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे मई के अंत में आई खबरों को लेकर यह माना जा रहा था कि जुलाई में स्कूल और कॉलेज 33% की उपस्थिति के आधार पर खोले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक पोखरियाल ने इस इंटरव्यू में कहा है कि संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद सभी आपके स्कूल कॉलेज और आपके जितने भी यहाँ पर शिक्षण संस्थान है उन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने पूरी मात्रा में ऐलान जारी कर दी है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे पूरे भारत में जितने भी आपके स्कूल कॉलेज बंद है वो सारे के सारे आपके 15 अगस्त 2020 से यानी दोस्तों आपके अगले महीने से आपके सभी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। और दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी कर दिए हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार आगे आपका कब तक स्कूल कॉलेज पूरी तरह से यहाँ पर खोल दिए जाते हैं। अगर दोस्तों इसकी तरफ से कोई भी अगर पर्सनल खबर आएगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हाँ, आप इतना जरूर जान लीजिए कि हमारे 15 अगस्त 2020 से आपके जितने भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद है उन सभी को खोलने के लिए हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यही कुछ जानकारी थी, यही कुछ अपडेट थी जो कि आज 12 जून 2020 दिन शुक्रवार के दिन से हमारे केंद्र सरकार ने और सभी राज्यों की सरकार ने यही कुछ यहाँ पर बड़े बड़े और यहाँ पर नए फैसलों को जारी किए थे, जिसके लिए हर एक भारतीय बंदे को यह खबर जानना और सुनना बेहद ही ज्यादा जरूरी था। तो अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होना तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज के लिए और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।